खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां कांग्रेस नेता एवं केंद्रीय बाल श्रम बोर्ड के, आपको बता दें कि केंद्रीय बाल श्रम बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों की भर्त्सना करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने के बाद अब देश भर में टोल टैक्स की दरें बढ़ाकर सरकार आम जनता की पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही है। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की है। पहले से बढ़े हुए दाम थे और फिर आम गरीबों की जेब पे कठोराघात किया है। साथ ही अभी केंद्र सरकार ने जो टोल में बढ़ोतरी की है उसमें 10 रुपए से 80 रुपए तक, जिससे कि ट्रांसपोर्ट का जो यात्री भाड़ा है, हर मामले में महंगाई और अपने चरम पर पहुंचेगी। मैं कड़े शब्दों में केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर